खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। रतिया के खालसा त्रिस्ताब्दी महाविद्यालय के आगे आज सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार द्वारा कॉलेज में की गई फीस बढ़ोतरी से साफ पता चलता है कि सरकार छात्र विरोधी है और छात्रों की फीस में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की गई है, उसे सरकार तुरंत वापस ले। अगर सरकार ने फीस में बढ़ोतरी तुरंत वापस नहीं ली तो छात्रों का कहना है कि वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। की तरफ से आज शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, जो इसलिए फूंका जा रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो भी CDLU या पूरी यूनिवर्सिटीज में जो भी फीस बढ़ा दी गई है वो एकदम डबल बढ़ा दी गई है। ये एक प्रकार से छात्रों के साथ धक्का हो रहा है, पूरी तरह से धक्केशाही की जा रही है छात्रों के साथ। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके, लड़ाई करके इसके लिए फीस को कम करवाया जाए, जो कि आने वाले छात्रों के लिए भविष्य ख़त्म करना चाहती है ये सरकार। तो मोदी सरकार चाहती है कि आने वाले टाइम में कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट पढ़ ना सके, इस तरह से रूल ला के या इस तरह की नीतियां चला के ये सरकार छात्रों के साथ धोखेशाही कर रही है, आगे उनके भविष्य को ख़त्म कर रही है। इनका मानना ये है कि ये आगे आने वाले समय में जो भी छात्र पढ़ना चाहता है वो पढ़े नहीं, क्योंकि ये इनका मानना है कि हर चीज़ जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी यूनिवर्सिटियाँ, वो प्राइवेटेशन हो, और उन्हें लगातार ये प्राइवेट कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में ये कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सारी ठेके पे दे देंगे, क्योंकि ये लगातार फीस बढ़ाते हर छात्र के साथ यही धक्केशाही लगातार करते आ रहे और आगे 5 साल तक करते रहेंगे। और हम ये क्या रहेगी आगे क्या रणनीति? आगे यही रणनीति है कि हम यूनिवर्सिटी से इसको मतलब हैंडओवर यूनिवर्सिटी से करेंगे और ज़्यादातर कॉलेजों में जाके हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके प्रचार करके वहाँ से जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे उनको लेके इकट्ठा करके एक ही दिन पूरे हरियाणा में इसके लिए विरोध करेंगे और पूरी तरह से जब तक फीस कम नहीं होगी या फीस बढ़ोतरी जो की गई है उसको कम नहीं किया जाएगा, हम तब तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं गुरप्रीत आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से। आज जो है फीस बढ़ोतरी को लेकर हमने जो है प्रोटेस्ट किया, आज शिक्षा मंत्री का जो रामदास शर्मा का पुतला भी फूकेंगे, तो उसका रहा जो रहा है कि जो सरकार है पिछले समय से फीसों में बढ़ोतरी करके हमारे जो कमज़ोर तबके को है और कमज़ोर करना चाहती है, ताकि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ ना सके, और वो इसलिए ना पढ़ सके क्योंकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे जवाब और सवाल करेंगे, तो इसलिए वो हमें आने वाले समय में इस तरह के हथियारों से कमज़ोर कर रही है कि हम स्कूल और कॉलेजों तक ना पहुँचे और हम इस कदर ना समझ पाएँ किसी चीज़ को कि हमारा जो माहौल है किस तरीके का बनाया जा रहा है, और इसी को लेकर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फीस अगर वापस नहीं ली गई, बढ़ोतरी है, उस फिर क्या होगा? अगर फीस की जो है बढ़ोतरी है, जो कमी नहीं की गई फीस में, तो आने वाले समय में हमने जो 12 तारीख जो है तय की है, पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा आयसा के द्वारा, और यहाँ नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में ही, इसको लेकर बहुत बड़ा जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे।